नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और यहाँ पे भाई सीटेट 2019 के अंदर एक जो है वो बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं किया गया है। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मेरे हिसाब से ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि भाई सीटेट केवल सीटेट का मामला नहीं है, ये मामला है आपकी शिक्षक भर्ती 2019 या 20 के अंदर जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में। क्योंकि चाहे वो दिल्ली के वैकेंसीज हो या और भी राज्यों के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं, उनमें से काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपसे जो है वो सीटेट मांगा जाता है, अगर आप विशेष रूप से अदर स्टेट से आते हो तो। ठीक है, दिल्ली के अंदर तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो फिर भी आपसे सीटेट ज़रूर मांगा जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके अंदर अगर आपसे फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी गलती रह गई है तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्म के अंदर करेक्शन करने की डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, और अब आप 7 अप्रैल 2019 तक इसके अंदर जो चेंज है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्त, कि यहाँ पे आप अपने नेम के अंदर, इसके साथ साथ फादर नेम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अंदर चेंज कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप इसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड है उसके अंदर भी आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हो, और अपने सब्जेक्ट के अंदर भी अभी आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने गलती से फर्स्ट लैंग्वेज की जगह सेकंड या सेकंड की जगह फर्स्ट भर दी है, या फिर अगर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या अभी आपको लग रहा है कि उसके अंदर आप उसकी जगह अगर आप दूसरी लैंग्वेज लेते तो शायद आपके लिए अच्छा होता, तो आप वो चेंज भी कर सकते हो। तो इसके लिए अभी आपके पास जो है वो टाइम है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म भरा है। फिलहाल भाई वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।